Hello, my dear. First of all, मैं आप सब लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा. मैं आप सब लोगों को शुक्रिया भी करना चाहूंगा. मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया भी देना चाहूंगा. मैं उन्हें थैंक्स भी कहना चाहता हूं. रीजन इज दैट कि उन्होंने पिछले 6 महीने और सो जो 6 मंथ और जो रहे, उसमें एक अटूट विश्वास और प्रेम और स्नेह और जो कमेंट्स उन्होंने दिए मेरे को, वो बहुत ही अद्भुत थे. और मैं उन सभी कमेंट्स को सैल्यूट करना चाहूँगा. आज मैंने क्लास ही शुरू करनी थी, बट कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उनकी बातों को सुन के मेरे को ये लगा कि यार, जिस समय इन बंदों को, इन बच्चों को 100% एंथुजियास्टिक वे में अपने एग्जाम को टैकल करने के व्यू पॉइंट से एक एनर्जी लेवल होनी चाहिए, इनके पास एक जुनून होना चाहिए था इनके पास. मैंने ये देखा कि ये उल्टा निगेटिव दिशा में जा रहा है, तो बेहद अफसोस हो. और मैं बाध्य हो गया कि मैं आप सबों के माध्यम से इन बातों को उन बच्चों तक भी पहुंचाऊं. और मेरे नजर में ऐसे बहुत सारे बच्चे शायद होंगे, और आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते जो ना एग्जाम के टाइम में एग्जाम फोबिया से ग्रसित हो जाते. रीजन क्या है कि वो अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने कलीग्स, इन सब की बातों का कंक्लूजन ये ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर एग्जाम में इफ वुड वगैरह वगैरह सोचकर कि अगर मेरे से कुछ भी कमी हो गई, या मैं क्वेश्चंस नहीं कर पाया, एग्जाम मेरे पेपर्स खराब चले गए, या मेरे को ये हो गया वो हो गया, तो मेरे पेपर्स और मेरे मार्क्स अगर कम आ जाएंगे ना, तो लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी. जैसे ये मान लो कि उनकी लाइफ के ये आखिरी एग्जाम, इसके आगे कुछ नहीं करना है. मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस कि भाई आपने 90+ लाना है, 90+ से नीचे है तो उसके नीचे कुछ भी बात नहीं करनी मैंने और कुछ भी सुनना नहीं मैंने, 90+ होना चाहिए. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, और इस तरीके के प्रेशर बच्चे झेल रहे होते. यार ये परसेंटाइल का चक्कर जो है ना, आप इस पे क्यों पढ़ रहे हो? आपने 2 साल जिस बात के लिए कड़ी मेहनत करी है, आपने 2 वर्षों तक जिन बातों को लेकर और जिन सब्जेक्ट्स को लेकर, जिन प्लान को लेकर, जिस तरीके से आप चल रहे थे, वो अपने आप में काबिले तारीफ है. आपने बस ये सोचना है कि आपने अब तक जो भी करा है, आप अपना बेस्ट डिलीवर करके आओगे. आपका परसेंटाइल चाहे जो भी हो, आपके पास जितनी पोटेंशियल, जितनी एनर्जी, जितनी लेवल ऑफ नॉलेज है, वो किसी मायने में कहीं से कम नहीं है. और यदि आपका परसेंटाइल बाय द वे मान लो कि 70 और 60 के आसपास चला जाता है, तो क्या ये लाइफ का आखिरी एग्जाम है? मैंने सुना है कि बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे. अरे यार, आपने बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने कि बहुत सारे फेल्योर्स देखे और लेकिन जब उन्होंने सक्सेस अचीव करी है, तो वो दुनिया में मिसाल कायम कर गए. और मैं उन एग्जाम्पल्स को और उनके नामों को आपके सामने रख करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ आपको यह मैसेज देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखें. और जो एग्जाम फोबिया आपके मन में चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो आप इन बातों को जल्द से जल्द निकाल फेंको, क्योंकि आपके पास जो अभी का टाइम जो आपके पास अभी बचा है, वो कहीं भी किसी मायने में यहां से भी कम नहीं. आपने देखा है कि ये नवंबर लास्ट है, आपका दिसंबर है, आपके पास जनवरी है, आपके पास एटलीस्ट मिनिमम अगर मान ले फैब का एक भी दिन छोड़ दें, तो आपके पास 60 डेज है. अब एक निगेटिव सोचने वाला बंदा यह भी कह सकता है यार बस 60 दिन बचे मेरे पास, लेकिन एक सकारात्मक सोच वाला यह भी कह सकता है कि यार मेरे पास 60 डेज है, तो इन 60 डेज में तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है. और आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास जितने भी टाइम अवेलेबल है, दिन के 24 घंटे में आपके पास अगर 6 घंटे भी अवेलेबल है, तो 60 × आप 6 आवर्स कर लो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्लान कर लो. आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो,
कि मेरे दोस्तों ने ये कर रखा, मैंने ये नहीं करा, उन्हें ये याद है, मेरे को ये याद नहीं, उनसे ये सॉल्व हो जा रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है। अमा यार, कहने की बात ये है कि हर बंदा अपने आप में एक विशिष्ट फीचर्स लेकर पैदा हुआ है। अब उन्होंने जो करा है आपने नहीं करा है। हो सकता है कि जो आप कर डालो वो ना कर पाए, क्या आप इस तरीके से नहीं सोच सकते? और अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप इन 60 डेज की प्लानिंग कर लो और इन 60 डेज के प्लान में अपने आप को उस तरीके से एलोकेट कर लो कि जहां आपकी वीक जोन है आप उस पर ज्यादा टाइम रख लो, जो आपका स्ट्रांग जोन है उसके रिविजन के लिए टाइम रख लो आप, जो आपके अनफिनिश चैप्टर्स हैं, जो अनफिनिश पेपर्स हैं आप उसको प्लान कर लो प्रॉपर, खुद ब खुद 30 डेज के भीतर ही आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाएगा एंड यू विल रीगेन योर कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल अगर डिक्लाइन कर जाए तो कोई भी बंदा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता हासिल लाइफ में। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास एक करेज है, आपके पास एक विजन है, आपके पास एक मिशन है, आपका एक गोल है, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। और मेरा जहां तक प्रश्न है, मैंने कभी भी इस तरीके से मोटिवेशन को लेकर या मोटिवेट करने की बात मैंने कभी सोची नहीं थी, बट मैं आज विवश हूं कि मैं आप लोगों से यह शेयर करूं, कि मैं आप लोगों को यह बताऊं कि आप कर सकते हो और करा है बहुत से लोगों ने, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। मेरा रोल बस यह है कि भैया आपने आना है और क्लास में पढ़ाना है, नॉट मोर देन दैट। बट मुझे आज अफसोस हो रहा है इस बात को देखकर कि जो बच्चे कल तक बेहतर कर रहे थे आज उनको बहुत बेहतर करना चाहिए था, लेकिन वो नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहे हैं बनिस्पत ऊपर जाने के। इट्स नॉट गुड फॉर देम, इट्स रियली रबिश। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है, एक मेरे एक कलीग है, उन्होंने मेरे से एक बात शेयर करी। उन्होंने कहा कि साहब मैं एक बार इंटरव्यू फेस करने गया, इंटरव्यू बोर्ड के पास जाने से पहले मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। मैंने कहा भाई बट नेचुरल सी बात है कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे थे और आपकी नौकरी वहां होने वाली थी, तय अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करते तो आपकी नौकरी पक्की होती, इंटरव्यू खराब होता तो आपकी नौकरी जो आने वाली हाथ में और नौकरी थी वो गई होती, तो भाई ये तो बट नेचुरल सी बात है, किसी के साथ भी हो सकती है ये बात। उन्होंने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, बट मैंने ये सोच लिया कि जब मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहा हूं और मेरे सामने तो बहुत से लोग हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, मेरे से ज्यादा बेटर लोग हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनकी नौकरी वहां तय होने वाली, मेरा यहाँ कुछ होना जाना है। और उन्होंने उस समय ये माइंड मेकअप कर लिया कि मेरी नौकरी यहां होने वाली नहीं है, मेरा यहां कुछ भी दाल गलने वाला नहीं है, मुझे यहां कोई पूछने वाला नहीं। और उस बंदे ने यह सोचकर इंटरव्यू बोर्ड के सामने कदम रखा है कि मेरा यहां जीरो, कुछ भी नहीं होना है, लेकिन बेबाकी से मैंने जवाब देनी है, जो भी पूछा जाएगा मैं इंटरव्यू बोर्ड को बेबाकपन से जवाब दूंगा। इट मींस कि उन्होंने अपने ऊपर के जो प्रेशर थे उसे उन्होंने रिलीज कर दिया और ये एक कॉन्सेप्ट बन गया कि मैक्सिमम लॉस मेथड। ये मैक्सिमम लॉस का कॉन्सेप्ट क्या आया कि उन्होंने यह सोच लिया कि यहां मेरा नहीं होना है, अब इसके आगे क्या होना है, जरा आओ फेस करते, सिचुएशन को टैकल करते, तो उनके पास एक शक्ति आ गई क्योंकि वो अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रखे थे। और जब उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया देन वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे थे और उन्हें ये पता अंदरूनी उनका ये चल रहा था कि मेरा यहां होने वाला नहीं है, आप सवाल पूछ लो मैं जवाब देने वाला हूं, आप सवाल पूछो मैं जवाब देने वाला हूं। बोर्ड ने सवाल शुरू किया, इन्होंने जवाब शुरू किया, बोर्ड ने सवाल शुरू किया, इन्होंने जवाब देना शुरू किया, इस तरफ से क्वेश्चन तो उस तरफ से क्वेश्चन, लेफ्ट क्वेश्चन तो राइट क्वेश्चन, और आंसरिंग। और उनका जो कॉन्फिडेंस, उनके पास चूंकि मेरिट थी, उनके पास पोटेंशियल थी, उनकी एबिलिटी थी, और चूंकि उनके ऊपर उस वक्त कोई प्रेशर नहीं था तो उन्होंने 100% जवाब दिए। हाँ, इन बिटवीन वो भी हो गया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए, कुछ क्वेरीज ऐसी भी सामने में आई जो उनका आंसर उन्हें नहीं पता था और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से उसे एक्सेप्ट भी करा। नतीजा यह हुआ कि उनकी 35 मिनट्स की इंटरव्यू हुई और उस 35 मिनट के इंटरव्यू में बोर्ड ने उन्हें सिलेक्ट किया एंड इट वॉज रियली एस्टॉनिशिंग फॉर हिम, क्योंकि उनसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग वहां सिलेक्ट नहीं हुए और उनसे कम एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड में वो सिलेक्ट कर लिए। पता है रीजन क्या था? रीजन यह था कि बोर्ड को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कम से कम बोल सके, क्योंकि बोलने का पेशा था वहां पे, और कॉन्फिडेंस से बोल सके, और वो कर रहे थे। अब आप मेरे को एक बात बता दो,
सपोज कि आपकी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुई है, आप पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, सब जूनियर, जूनियर, अंडर 19, अंडर 20, एवरी लेवल पे आप प्रैक्टिस में थे, अब आपको टेस्ट कैप मिली है और आप इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो चुके हो, माना कि आपके ऊपर प्रेशर होगी, लेकिन भाई साहब क्या अगले पे प्रेशर नहीं होने वाला है? आप जिसके सामने खड़े हो आप खुद प्रेशर में हो तो क्या सामने वाला प्रेशर में नहीं होगा? और यदि आप अपने प्रेशर को उस पे हावी होने दोगे तो क्या आप परफॉर्म कर पाओगे? आपको तो सब बातों को छोड़कर आपको यह देखना होगा कि जस्ट आई एम गोइंग टू क्लिक टुडे एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री टुडे। तो आप अननेसेसरी प्रेशर ले रहे हो। अननेसेसरी प्रेशर लेने वालों के साथ क्या होना है कि उनके पास जो मेरिट, उनके पास जो पोटेंशियल, उनके पास जो एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने वाली है। और आप अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो जबकि आपके पास 100% पोटेंशियल है, आपने प्लान करा हुआ है, आपने सब कुछ एग्जैक्टली जिस प्रकार होना चाहिए उस प्रकार आपने कर रखा है, फिर भी आप दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हो जो आपको सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, आपको डिमोरलाइज करने के लिए वो सब षड्यंत्र रच रहे हैं और आप उनके साथ चल करके आप अपने आप को डिमोरलाइज करवा रहे हो। ये होना नहीं चाहिए। आपके सामने ये एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का सिचुएशन होगा और हमने वो टैकल करना है, बोल्डली टैकल करना है, हिम्मत से टैकल करना है और लेट द थिंग्स हैपन। आपको लेट डाउन करना नहीं है। आपके गार्जियन यदि आपसे एंटिसिपेशन करते हैं, कुछ उम्मीद लगा के बैठते हैं तो ये उनकी सोच है, आपकी सोच कुछ और होनी चाहिए कि आपने, अगर आपके गार्जियन ने सोच रखा है कि नहीं 90% आपने कमिट करा है, आपने प्रॉमिस करा है, ओके है, आप अपनी 100% दो। और अगर आप अपना 100% डिलीवर करके आते हो और अगर बाय द वे 90 के बजाय 89 हो जाता है तो क्या आपके गार्जियन आपको घर से बाहर कर देने वाले? कभी नहीं। वो प्रेशर सिर्फ इसलिए दे रहे हैं आपके ऊपर क्योंकि आप पढ़ाई से बेरुखी ना हो, दिखाओ, आप हियर एंड देयर पैरम्बुलेट ना करो, आप डेविएट ना हो। उनका प्रेशर देने के पीछे, उनके किसी भी प्रेशर के पीछे कभी कभी ये मनसा नहीं होती कि आप अपने आप को डुबो लो। उनके प्रेशर देने के पीछे ये होता है कि आप अपना बेस्ट डिलीवर करो, आप कड़ी मेहनत करो, उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरो। माना कुछ बच्चे मेरे से ये कहते हैं कि सर मेरे मम्मी पापा जो है ना वो चाहते ना कि मैं ये करूं बट मेरी मर्जी कुछ और है। अक्सर ऐसा होता है, एक क्लैश होता है। तो वैसे सिचुएशन को भी टैकल करना आपकी जिम्मेवारी है, आपके पेरेंट्स की जिम्मेवारी है और सो कॉल्ड आपके टीचर्स की भी जिम्मेवारी है। और अगर ये तीन बंदे बैठेंगे तभी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा और तीनों को एक स्टूडेंट के हित में, एक सोसाइटी के हित में, एक फैमिली के हित में, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे काम तो देखना ही होगा। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी ये नहीं सोचता कि आप पुलिस स्टेशन में बैठे रहो और वो पुलिस वाले के सामने जी हुजूरी करते हुए नजर आए और आप लॉकअप में बंद हो जाओ। कभी कोई माता पिता नहीं चाहते। हर एक माता पिता ये चाहते कि हमारा बेटा तरक्की करे, खूब अच्छा करे, पूरी दुनिया में नाम करे। लेकिन आप क्या उस पर 1% भी स्टेप आगे बढ़ा चुके हो कि 10% हमने बढ़ाया, 20% हमने बढ़ाया इस स्टेप पे कि हमने अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियन के एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है हमने? आप अपनी बातों को शेयर करो अपने गार्जियन से, प्रॉपर कम्युनिकेट करो अपने गार्जियन को, क्यों नहीं होगा? मेरे से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने ये नहीं कराया, मैंने वो नहीं कराया, मैंने वो नहीं करा, अभी सिर पे फाइनल एग्जाम है, मेरे को बोर्ड एग्जाम है, मेरे को IPCC देना है, दोनों ग्रुप लेना है, मेरे को फाइनल देना है, मेरे को ये करना है। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि वो लेट डाउन करना चाहते हैं। मैंने बहुत से बच्चों से बात करी है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कहा है कि सर मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूं और मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक सक्सेस न मिल जाए और सक्सेस को मैं डिफीट दूंगा क्योंकि वो तब, जब तक मेरे को वो हासिल ना हो जाए तब तक मैं उससे फाइट करूंगा। तो ये एक टेम्परामेंट आपके अंदर होना चाहिए, एक एंथुसियाज्म आपके अंदर होना चाहिए। आप कब तक भागोगे? आप जिससे भागोगे वो आपको पीछा करेगा, लेकिन अगर आप सामना करोगे तो वो भागेंगे आपसे। तो आपको सामना करना है, आपको लाइफ में आगे निकलना है, आपको भीड़ को चीर कर आगे निकलना है और वो एंथुसियाज्म आपको अपने अंदर पैदा करना है, वो जुनून आपको अपने अंदर पैदा करना है।
और जिस दिन आप एमलेस हो गए, जुनून खत्म हो गई आपके अंदर कुछ भी नहीं रह गया, तो फिर मेरे ख्याल से बंधु आप में और वो जो बंधी हुई होती है ना खूटे में गाय भैंस बकरियां, उनमें कोई फर्क नहीं रह गया। तो अपने आप को उस जानवरों के लाइन से अलग करो और अपने अंदर वो एक इंथुजियाज्म पैदा करो अपने अंदर, जो उसकी कुछ कर दिखाना है, कुछ करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, और वो आपके अंदर है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास मेरिट है। आप परसेंटाइल के लिए ना जाओ, आप अपना 100% डिलीवर करने के लिए जाओ। परसेंटाइल झक मार के आपके पास आएगी, सक्सेस आपके पास झक मार करके आएगी। जॉब और नौकरी की जहां तक बात है तो आपके पास मेरिट होनी चाहिए, और यदि आपके पास मेरिट है तो झक मार के आपके पास लोग आएंगे और आपको काम मिलेगा। दैट्स इट। अगर आपके पास पोटेंशियल ही नहीं है, आपके पास मेरिट ही नहीं है, और आप उसके लिए नहीं जा रहे, आप मार्क्स के लिए जा रहे हो, यार तो मार्क्स क्या चीज है? एबिलिटी असल चीज होती है, और आप एबिलिटी के लिए जाओगे और आप उस पर वर्क करो। आप ये सोच कर भी पढ़ रहे हो, पढ़ना भी नहीं चाहिए कि भाई हमने ये अमुक क्वेश्चंस कर लेने, हमें ये चैप्टर्स कर लेना और ये एग्जाम में आने वाला है। ये ट्रेंड ही गलत है यार। कंसेप्चुअल आप पूरा कंसेप्ट क्लियर करो एक टॉपिक का, एक चैप्टर का। अब इससे कोई भी क्वेरी हो मेरे को जवाब आना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस लेवल मिसिंग होगा तो आप फिर वही करते रहोगे कि 25 क्वेश्चन इधर से, 50 क्वेश्चन उधर से, 40 क्वेश्चन इधर से, और हमने रट्टा लगा लिया, रट्टा लगा के एग्जाम में चलेगा, एग्जाम पे प्रेशर लिया और वो रट्टा लगा हुआ चीज भूल गए। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। और आप यदि थोड़ी सी भी अपने ऊपर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आप रखते हो अपने अंदर, तो कड़ी मेहनत के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप इंतजार नहीं कर सकते कि साहब मेरे को फुल टॉस देंगे और मैं सिक्स मारूं। आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि यॉर्कर लेंथ को भी मैं बाउंड्री पार भेजूंगा। दैट इज नोन एज करेज। और आप कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो यॉर्कर लेंथ की गेंद को फुल टॉस बनाना जानते हैं, दैट इज वाई दे आर सक्सेसफुल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फुलटॉस को भी यॉर्कर बनाना जानते हैं। तो फर्क आपकी एबिलिटी में, आप किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करते हो। सिचुएशन तो आपके सामने वैसे ही रहने वाला है, आप कैसे सिचुएशन को टैकल करते हो इस पे सब कुछ डिपेंड करता है, और यहीं से आपकी जीत और हार तय होती है कि आप सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। यदि आप सिचुएशन को करेक्ट तरीके से हैंडल करना जानते हो, यू विल नेवर बी फेल्योर इन योर लाइफ। पॉइंट शुड बी नोटेड। ओके, सो plan yourself and tackle the situation under which you are surviving. Okay, thanks a lot. We will meet in the next video.